हियर इज द क्वेश्चन, अ हाईली कंसेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वॉटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट्स एट द कैथोड एंड एनोड आर रेस्पेक्टिवली, आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर सारे एस्पेक्ट जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखो आपने क्या क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस किसके अंदर होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर दो टर्मिनल होंगे, एक होगा एनोड और दूसरा क्या होगा, कैथोड। एनोड होगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड क्या होगा आपका, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड के ऊपर होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड के ऊपर होगी रिडक्शन रिएक्शन। यहां तक तो हमने समझ में आता ही है, हमें ये हमें आता है, लेकिन हमें क्या क्या यहां पर, यहां पर हमने पोटेशियम सल्फेट का, देखो हाईली कंसेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट इन वॉटर, मतलब कि पोटेशियम सल्फेट को हमने किसके अंदर ऐड किया है, वॉटर के अंदर ऐड किया है, तो ये क्या बनाएगा, 2K प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन। ये इलेक्ट्रोलाइट है तो ऑब्वियसली बात है अपने आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। अब किसके अंदर है ये, उसको हमने मिलाया वाटर के अंदर, अब समझने की कोशिश करना, अगर उसको वाटर के अंदर मिलाया है तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो उसमें वाटर भी इंट्रोड्यूस होगा, उसका भी बीच में कोई ना कोई फैक्टर यहां पर आएगा, मतलब यहां पर वाटर का भी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं पहले वाटर के ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। देखो मैं लिख देता हूं पहले से ही, और मैं क्यों लिख रहा हूं इस रिएक्शन को ये भी आपको समझा दूंगा अभी मैं। अगर मैं वाटर के ऑक्सीडेशन की बात करता हूं तो ये आपका फॉर्म करेगा ऑक्सीजन गैस अलोंग विथ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस एक्वस आयन को ये फॉर्म करेगा, ये हो गया आपके रिएक्शन बैलेंस। और अगर वाटर के रिडक्शन की बात करूं तो वाटर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और फॉर्म करेगा हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ 2OH माइनस एक्वस आयन को, ठीक है। तो ये तो होगी वाटर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन। अब समझने की कोशिश करो, बात करते हैं पहले एनोड पे कि एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एनोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसके टुवर्ड्स कौन आना प्रिफर करेगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन है आपके पास, सल्फेट। तो या तो यहां पर सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर यहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाए। और हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखा है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा पॉजिटिव है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इट मींस अगर सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैं बात करूं तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, सल्फेट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -2.01 वोल्ट। कितनी होती है, -2.01 वोल्ट। जबकि वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट। और वाटर रूम टेम्परेचर पर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ध्यान से समझना, वाटर रूम टेम्परेचर पर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो ये जो वोल्टेज हमने दिया, इस वोल्टेज पर आपका वाटर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहां पर कुछ आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा जिसे आप कहते हो ओवर वोल्टेज, और वो समथिंग हो जाएगा -1.48 वोल्ट। इट मींस अगर आप इतना वोल्टेज अप्लाई करते हो वाटर को रूम टेम्परेचर पर, तभी आपका वाटर क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, अब बात करते हैं सल्फेट और वाटर के, दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, दिख रहा है आपको कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है इज कंपेरेटिव सल्फेट। इट मींस वाटर का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वाटर का ऑक्सीडेशन यहां पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन समझना, आपने क्या लिया है, पोटेशियम सल्फेट क्या लिया है, हाईली कंसेंट्रेट लिया है। हाईली कंसेंट्रेट इस वर्ड को समझने की कोशिश करो, ये देखो मेरे पास, मैं ई सेल कैलकुलेट कर रहा हूं सल्फेट के लिए, तो क्या हो जाएगा इसका, ई नोड सेल -0.0591 इंटू लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में आपका क्या आ जाएगा, सल्फेट आयन आ जाएगा, जबकि प्रोडक्ट के ऊपर होगा आपके पास H2O2 माइनस आयन। अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्चुअल में वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कंपेरेटिव ज्यादा पॉजिटिव है, तो वाटर का यहां पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो आपने क्या लिया है, हाईली कंसेंट्रेट सॉल्यूशन लिया है, मतलब कि सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई तो समझना, अगर सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हुई तो लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, नीचे की साइड है ना, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पूरा लॉग क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। अगर पूरा लॉग नेगेटिव में गया तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ई सेल इन शॉर्ट क्या आ जाएगा,
पॉजिटिव आएगा। क्या समझ में आती है? अब क्यों मैंने ये लाइन लिखी, क्यों मैं समझा रहा हूँ, समझो इसको। अगर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हुई, बहुत, क्योंकि ये क्या है, हाईली कंसंट्रेट है, मतलब कि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कि पूरा ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि ये वॉटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। इट मींस लास्ट में जाके जो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर के कंपेरेटिव ज्यादा पॉजिटिव होगा। इसलिए आपको एनोड के ऊपर कौन मिलेगा, H2O8 2 माइनस मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वापस रिवाइज कर लेता हूं मैं आपके लिए कि देखो सल्फेट आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर के कंपेरेटिव बहुत कम है, मतलब कि वाटर का ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए था और आपको ऑक्सीजन गैस मिलनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका रीजन ये है कि आपने जो सल्फेट लिया है, पोटेशियम सल्फेट, इसमें इसकी कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन अगर ज्यादा है तो पूरा लॉग क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि ई सेल इन शॉर्ट आपका क्या आएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा, और वो इतना ज्यादा पॉजिटिव आएगा कि वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या कर जाइए, क्रॉस कर जाए। मतलब कि ई सेल, मतलब कि सल्फेट का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर के कंपेरेटिव क्या अगर ज्यादा पॉजिटिव आएगा, अगर ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सल्फेट आयन क्या हो, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो और आपको क्या मिले, H2O8 2 माइनस आयन मिले। तो एनोड के ऊपर तो क्या मिलेगा आपको, H2O8 2 माइनस मिलेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कैथोड की। देखो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। कौन आना प्रीफर करेगा, के प्लस आयन आना प्रीफर करेंगे। अगर के प्लस आना, या तो के प्लस आके यहाँ पर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या फिर यहाँ पर वाटर का रिडक्शन हो जाए। अगर मैं वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता हूँ, देखना वाटर का अगर रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखें तो ये होता है -0.827 वोल्ट, जबकि पोटेशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ये होता है समथिंग कुछ, ये होता है -2.34 वोल्ट होता है, ठीक है, इसके आसपास कुछ होता है, आप देख लेना, लेकिन होता कुछ इसके आसपास ही है। तो देखो पोटेशियम का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल की कंपेरेटिव बहुत ज्यादा छोटा है, मतलब कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा पॉजिटिव है, तो वाटर का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। अगर वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या मिलती है आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इन शॉर्ट आपका लास्ट आंसर रहेगा कि आपको कैथोड के ऊपर क्या मिले, कैथोड के ऊपर मिले आपको हाइड्रोजन गैस, और एनोड के ऊपर क्या मिले आपको, H2O8 2 माइनस। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन।